नमस्कार, जय हिंद। अपना पंचे देखी लगा है बार बार टाइम्स में बघेली संवाद। आज अपना का बताई कि एक दिल दहला दे वाली घटना सामने आई है। आज एक मौसा आपने भतीजी का ही दुष्कर्म कई के ही ओखर गला रेत देत हवे। बतावा जात है कि इंदौर के द्वारकापुरी में रह वाली एक नाबालिग 17 वर्षीय युवती के सब बरामद भाए। बतावा जात है कि जब यह युवती बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोली, इस तक आस पड़ोस के लोग दरवाजा तोड़ के ही और देखा थे, तो युवती के गला धारदार हथियार से काटा गया है और युवती मृत पड़ी है भाई। वही कहीं देखा थे कि ओखर युवती के मौसम बगल में ही बेहोश पड़ा है भाई। यह सब देख के ही आस पड़ोस के लोग तुरंत है द्वारकापुरी थाने का सूचना दे थे मैं और तुरंत पुलिस मौके में पहुंचा थी। पुलिस मौके में ही पहुंच के ही सबका अपने कब्जे में करा थी और घायल मौसा का ही MBI हॉस्पिटल में उपचार खातिर भेज दी जात है। यह पूरे मामले में ही पुलिस के कहा है कि यह पूरा मामला दुष्कर्म के मामला लागत है, नाबालिग के साथ जबरदस्ती करे के मामला लागत है कि जैसा मौसा या नाबालिग के साथ जबरदस्ती करत रहा हो और यह बीच वारदात का अंजाम दिस हो। अपने को बताई कि यह युवती अपने 3 बहनन के साथ में ही द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में ही रहवा करत रही है। एकर पिता जो उनकी मजदूरी करत रहा है और एकर मौसा जो उनकी वह नगर में ही कुछ दूरी में रहवा करत रहा है। मौसा अपनी पत्नी और बच्चन के साथ में ही रहवा करत रहा और अपन सब्जी के ठेला लगाए के जीवन यापन करत रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल खंगाल रही है भाई और यह मामले में ही अब साफ कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि PM रिपोर्ट ना आ जाए। PM रिपोर्ट आने के बाद यह मामले के ही पूरा खुलासा हो कि आखिर सत्य तक आया है। कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं बॉडी के ऊपर बच्ची की कि उसके साथ शायद सेक्सुअल असल्ट हुआ होगा। कन्फर्मेशन पोस्टमार्टम डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद होगा और संभावना, चूंकि दरवाज़ा इंटैक्ट बंद था अंदर से, इसलिए पूरी संभावना यह है कि जो प्रताप है उसने कुछ सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद, हो सकता है कि उसने अपने आप को भी इंजर्ड किया हो। जिस प्रकार की वहाँ पर रेजर मिली है और हैवीली ब्लीड हुआ है उसके गले से, तो ये स्थितियाँ अभी तक की सरकमस्टांस बनी हुई हैं और FSL अधिकारी ने भी जाँच करी, हम लोगों ने भी बारीकी से जाँच की है।